नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाते हैं अहम खबर। विकासखंड मुनस्यारी में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ आशाओं ने तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी कर आशाओं ने उप जिलाधिकारी मुनस्यारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं प्रदर्शन करते हुए आशाओं ने अपनी विभिन्न मांगे गिनवाई। सर्वप्रथम आशाओं को मातृ शिशु दर कम करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद भी आशाओं पर विभिन्न सर्वे और बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है। दिक्कत की बात तो ये भी है कि काम तो आशाओं से लिया जाता है, लेकिन उनकी मेहनत का भुगतान नहीं किया जाता। वहीं आशाओं ने अपनी मांगे गिनाते हुए कहा कि अलग अलग कामों के लिए छुटपुट पैसों के बजाय हमारा मासिक वेतन फिक्स किया जाए और रिटायर होने के बाद पेंशन भी फिक्स की जाए। आशाओं ने जो ज्ञापन दिया है उसका हमारा मुख्य विषय यह है कि हमारा मानदेय फिक्स किया जाए और जो छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमको बार बार परेशान करके हमें 50 रुपया 100 रुपये के हिसाब में दिया जाता है, उसका हमें बिल्कुल लालच नहीं है, हमको सिर्फ मानदेय दिया जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।